Polytechnic. The institution was named after the great architect. In the year 1986-87, the Polytechnic bagged first rank to the state, and repeated again in 1987-88, and in 1980. Undergraduate level other courses run in the Polytechnic are Mechanical Engineering, Electronics and Computer Science. The course of typing in English and others language is also available in Melexandel Polytechnic. To make women as independent, they are taught embroidery and other handworks. At present, more than 1,000 students from different states of India are studying in this institution. आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस मुस्कान के साथ। कर्नाटक सरकार के निर्लक्षता रूपी कार्य पर जनता आक्रोश है। राज्य में जनता सूखे से तरस समस्याएं झेल रही है और राज्य के किसान परिवार आजकल संकट में है। ऐसी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में डोनेशन के नाम से लूटमार कर रहे हैं। विद्यालयों में ज्ञान प्रसार करने के बजाय व्यापार हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में राज्य के पिछड़े गरीब और प्रतिभावी छात्रों के निशुल्क बस पास देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ ने आग्रह किया। गांव से तालुका एवं शहरों को शिक्षा पाने के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क बस पास वितरण से शिक्षण व्यवस्था में प्रोत्साहन देने का कार्य होता है। पिछले साल संपत्ति की कमी के कारण कर्नाटक सरकार ने इसी वर्ष भी निशुल्क बस पास को दरकिनार कर रहा है। वे सिर्फ अपना अधिकार बचाने के लिए योजना में रहे। राज्य सरकार के विद्यार्थियों को सुनना आवश्यक है। राज्य के गरीब एवं प्रतिभावी विद्यार्थियों को निशुल्क बस पास के व्यवस्था लाने के लिए एबीवीपी ने आग्रह किया। छात्रों के लिए निशुल्क बस पास वितरण के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थियों परिषद संघ ने किया आग्रह। आज कर्नाटका के विजयपुर अखिल भारतीय विद्यार्थियों परिषद संघ ने छात्रों के लिए निशुल्क बस पास वितरण के लिए मुख्यमंत्री कुमार स्वामी को लिखी चिट्ठी। कर्नाटक राज्य में गरीब एवं प्रतिभावी विद्यार्थियों को निशुल्क बस पास देने के लिए आज एबीवीपी ने संपूर्ण कर्नाटक राज्य में हड़ताल के लिए आग्रह किया। शिक्षा सबके लिए आवश्यक एवं अमूल्य संपत्ति है। जात पात अमीर गरीब सबको यहां शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन 2018 और 19 के वार्षिक समय के कर्नाटका के बजट में SC ST के साथ अन्य वर्ग निःशुल्क बस पास के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन आज तक यहां योजना कार्य में नहीं आया। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आज जो प्रतिभटन किया है बीजापुर सिटी में, सारे हम यही मांग सरकार को रखते है कि सारे विद्यार्थी लोगों को फ्री बस पास देना है। जो पिछले साल बजट में जो आपने कहा था, भरोसा दिया था हमको, सारे विद्यार्थी लोगों को SC ST और गरीब लोगों को जो बस पास फ्री में देने के लिए वादा किया था आपने, वही वादा आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं आपको। आज पूरा स्टेट में, कर्नाटका स्टेट में हर जिला केंद्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में जो प्रतिभटन हुआ है, यही अंत नहीं है। हम आपको बोलना चाहते हैं कि अगर इस बार आप फ्री बस पास नहीं दिए तो हम पूरा राज्य में इसे उग्र होराट करते हैं। सचिन बागेवाड़ी, सिटी सेक्रेटरी, ABVP विजयपुर। और खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।